दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमण को लेकर बरती गई बड़ी लापरवाही का खुलासा होने के बाद जांच में जुटी क्राइम ब्रांच के नोटिस पर जमात प्रमुख मौलाना साद ने कई सवालों के जवाब दिए, मगर क्राइम ब्रांच द्वारा पूछे गए 26 सवालों में से दस्तावेज संबंधित कई सवालों को छोड़ दिया। साद ने जवाब क्राइम ब्रांच को लिखित में दो बार में दिए। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो तबलीगी जमात के कई सदस्य आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तबलीगी जमात की शाखाएं भारत के खिलाफ जिहाद और आतंकवाद फैलाने में शामिल रहीं। अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकी हमले में शामिल अलकायदा के कुछ आतंकियों के भी तबलीगी जमात से लिंक मिले हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने एक बार फिर ऑडियो संदेश जारी किया है। ऑडियो संदेश में मौलाना साद ने महामारी से निपटने के मद्देनजर तबलीग से जुड़े लोगों को सरकार का सहयोग करने की अपील की है। मौलाना ने कहा कि बीमारी का इलाज जरूरी है, जरूरतमंदों की मदद करें, भाईचारे से रहें। वो खुद सामने नहीं आता पर अपने ऑडियो जरूर जारी करता है। आप भी सुनिए मौलाना साद का ताज़ा ऑडियो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों भाइयों, एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा तआवुन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दुआ और सदक़ात और रात के क़याम और तहज्जुद और सलातुल हाजा के ज़रिए मुतवज्जे रहें। नीज़ अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों का ख्याल करें, कोई हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए। हर एक की अपनी ताकत के बक़दर मदद करें। जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारगी से, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बनाने वाला हमारे साथ नरमी का, रहम का मामला फरमाएंगे। तबलीगी जमात के मुख्यालय निजामुद्दीन मरकज की लापरवाही ने इसे देश में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा कैरियर बना दिया है। आलम यह है कि पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या में 40% लोग मरकज से जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान तमाम ऐसे मामले आए जब शादी समारोह करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए गए, लेकिन मरकज में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वालों पर केस दर्ज करने में हीला हवाली होती रही। गौरतलब है कि पिछले महीने निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें शामिल जमात के कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद हड़कंप मचा और मौलाना साद और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, लेकिन मौलाना साद अब तक फरार है। हालांकि ऑडियो संदेश और दिल्ली पुलिस के नोटिस के जवाब के जरिए जांच में शामिल होने की बात कह चुका है। भारत में हालात काबू में आ सकते थे, लेकिन दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के तबलीगी जमात के मरकज में हुई बड़ी लापरवाही के चलते इस पर काबू नहीं किया जा सका। सवाल ये है कि पब्लिक सेफ्टी और हेल्थ को जोखिम में डालने वाले गैर जिम्मेदार मौलाना को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। देश में कोरोना बम फोड़ने वाला मौलाना साद, हिंदुस्तान में कोरोना ग्राफ को आसमान पर पहुंचाने वाला साद, निजामुद्दीन मरकज का सर्वे सर्वा मौलाना साद, तबलीगी जमात का मौलाना साद, कहां गायब है मौलाना साद? HS न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।